बेईमान राजनीतिक दल जी जो जमानत पर चल रहे, सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव का, ये केजरी के जो चिरकुट जो लोग तिहाड़ी हो चुके हैं, ये केजरी, ये नीतीश कुमार, ये समाजवादी पार्टी, ये शरद पवार की पार्टी, ये उद्धव ठाकरे, ये सब के सब अभिषेक मनु सिंघवी की पूंछ पकड़कर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अभिषेक मनु सिंघवी बहुत ताकतवर है, सुप्रीम कोर्ट रेड कारपेट बिछा लेता है इन लोगों के लिए और किसी पवन खेड़ा को लीक सेट कर राहत देता है। वैसे मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल पाता है कि आप लोगों के लिए मुझे विशेष सुविधा मैं नहीं दे सकता, इसी पवन खेड़ा को, इसी सलमान, इसी मुख्तार अंसारी को, इसी आजम खानों को, इसी अतीक अहमदों को रेड कारपेट बिछाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि तुम सफेद पोशों के लिए हम रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। दो दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई से अधिकारियों से कहा था कि देश आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, कानून आपके साथ है, इन बेईमानों को अंदर कीजिए, कोई रोक नहीं सकता। इसकी गूंज तो सुप्रीम कोर्ट को भी सुनाई दी होगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मिजाज बदला और इन बेईमानों से कहा कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा यदि चोरी की हो तो, हम तुम्हारे लिए अलग से कानून नहीं बना सकते। अब तो ये विक्टिम कार्ड भी नहीं खेल सकते पब्लिक के बीच जाकर के, इन 14 लोगों को कोड़े मार करके सुप्रीम कोर्ट ने भगाया। मनीष जी, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आप अभी कर चुके हैं 2-3 घंटे पहले, तो बहुत डिटेल में आपने किया, आपको ज्यादा न्यायालय का मामला है तो उस वो दर्शकों को कि वो उस न्याय उस समीक्षा को सुनना हो तो मनीष जी का वो वीडियो देखिएगा। मेरा केवल इतना कहना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनीष जी उस पर मोहर लग गई, जो मैं पिछले एक साल से कह रहा हूँ जब से इन्होंने ईडी और सीबीआई के खिलाफ रोना शुरू किया है। मैं एक ही बात तो कहता हूँ कि मैं ये इनकी ये बात आरोप में बिल्कुल सच मान लेता हूँ कि ईडी और सीबीआई का आरोप केंद्र सरकार इन नेताओं को डराने के लिए कर रही है, मगर मेरा सवाल है कि तुम डर क्यों रहे हो? तुम ईडी और सीबीआई से डर क्यों रहे हो? अगर तुमने चोरी नहीं की है, तुमने लूट नहीं किया, तुमने सरकारी माल नहीं लूटा है, सरकारी घपला घोटाला नहीं किया है, तो तुमको डर नहीं लगना चाहिए। यह जो हम लोग के नियमित दर्शक होंगे अक्सर हमेशा मैं यही कहता आया हूँ, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा मनीष जी कि अगर कोई तो ऐसा कोई व्यक्तिगत मामला है तुम्हारा, ऐसा कोई केस है जिसमें तुम बड़े निर्दोष हो, तुमको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, तो उसको लेकर आओ, उस पर मैं कोई फैसला लूं, उस पर कोई निर्णय लूं। ये सामूहिक तो लूट की छूट नहीं दी जा सकती। तो एक भी केस ये बता नहीं पाए, ये वहां से भाग खड़े हुए जैसे सर पे पांव रख के भागे वहां से, यहाँ तो चोरी पकड़ में आ जाएगी, जो बात हम लोग कह रहे थे वो बात कोर्ट में सिद्ध हो जाएगी। तो वो आज तो बाकी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो का वो तो मनीष जी ने कर दिए व्याख्या, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुला ऑफर दिया है इनको कि तुम्हारे कोई जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है इनमें से कोई एक केस ले आओ या सब आ जाओ, वो उस तरह के केस जिसमें तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और तुमको ईडी या सीबीआई परेशान कर रही है, तो उस पर मैं फैसला करूंगा, उस याचिका को सुनूंगा। और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है वहां से भाग खड़े हुए, या कोई एक उदाहरण, अरे कम से कम 14 आदमी का झुंड गया था तो मनीष जी 2-4 उदाहरण पे लेके जाते कि देखिए साहब ये परेशान। अब लालू कैसे कहते कि रेल घोटाले में हमको परेशान किया जा रहा है, जब खुलेआम जमीन का लेन देन, पैसे ट्रांसफर, सब चीजें पकड़ में आ रही है, कैसे कहते वो डीके शिवकुमार कांग्रेस का, उसके बाद 100-150 करोड़ रुपया उसकी संपत्ति जब्त है, शरद पवार के भतीजे की 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त है, तो ये कैसे कहते कि हम निर्दोष है? ये तो बताएंगे 1400 करोड़ कहाँ से आया था? केजरीवाल वो भी झुंड में शामिल था, उसकी पार्टी भी, उसके 2-2 मंत्री जेल काट रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है, जमानत मांगने जाते हैं तो निचली कोर्ट कहती कि तुम्हारे खिलाफ सबूत प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष सबूत नजर आ रहे हैं, तो ये कौन मुंह से पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट? तो आज जो है, आज दूध का दूध पानी पानी हो गया। और वही अली बात है, देखिए कुछ शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन कायदे से तो आज के बाद इनको ईडी और सीबीआई के नाम से विधवा विलाप करना बंद कर देना चाहिए। और दर्शक इस बात को अच्छे से समझ लें, इसको मतलब एक गांठ बांध लें, याद कर लें कि जब ये कभी हो तो इनके ट्विटर और आप लोग के बाद देखिए आप कहाँ इनका सामना केवल सोशल मीडिया पर ही कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से कहिए कि जो आज कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद वो सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई। उसने खुलकर कहा कि कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताओ, तो ये 14 मिलके एक उदाहरण नहीं दे बता पाए। वो ममता बनर्जी शामिल थी, उसका मंत्री का 150 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है, संपत्ति तो भगवान जाने कितनी होगी। तो ये सब जो थे जो रंगे ऊपर से लेके
नीचे तक भ्रष्टाचार घपला घोटाला लूट में ये पहुंचे थे कि हमको लूट की छूट दे दो। कुल मिला के इतना था कि सब भ्रष्टाचारी लूटने वाले घपला करके घोटाला करके लूटने वाले आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि साहब हमको थोड़ा लूट की छूट मिल जानी चाहिए, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। तो वहां से इनको टका सा जवाब मिला है और ये अच्छा शुभ संकेत है। बिल्कुल सर, फिर मैंने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके बारे में बताइए 14, तो पूरा विस्तार से आपको विश्लेषण शाम 7 बजे में मैंने किया है, वो पूरा डिटेल में है, उसे समझिए किस तरह आंकड़े लेकर के गए थे कि 2013 से पहले मात्र 2209 मामले थे ईडी और सीबीआई के सफेद पोशों के खिलाफ, 2014 से 24 तक, 2021 में मात्र 1188 है, मतलब इन बेईमानों को के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल इनके आंख से जो पैसे निकाले जा रहे हैं परेशानी इसी बात को लेकर के है और इसीलिए इन सब की बेचैनी बढ़ रही है और सब साथ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब दुलत्ती मारी है इन सबको, मार के भगाया है, अब ये विक्टिम कार्ड खेलना भी इन सबके लिए मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और मैं इसके लिए मैंने जो विश्लेषण किया उसका सार ये है कि इसीलिए 2 दिन पहले मात्र प्रधानमंत्री ने सीबीआई के अधिकारियों से कहे कि किसी से डरने का जरूरत नहीं, मतलब किसी से नहीं मतलब मिलाडो से भी नहीं। इस संकेत साफ।